हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है संडे, तो संडे को बनता है कुछ ना कुछ खास। तो आज इस चैनल पे आपको दिखाएंगे वेज बिरयानी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं बिरयानी के नाम से यार ये तो नॉन वेज ही बन सकती है, वेजिटेरियन बिरयानी बन ही नहीं सकती। तो आज हम आपको दिखाएंगे अमेजिंग वेज बिरयानी। तो सबसे पहले हमारे पास है इंग्रीडियंट्स, हमें प्रिपरेशन करके रखी है। तो ये देखिए, चावल है मेरे पास तकरीबन डेढ़ गिलास, तो ये डेढ़ गिलास को मैंने भिगो के रखा है। अब इसमें है मिक्स वेज जो कि हम बॉयल करने वाले हैं। इसमें अगर आप देखें तो गोभी है, स्वीट कॉर्न है, गाजर है, मटर है, बीन्स हैं, मशरूम है। तो ये सब वेजिटेबल्स को हम बॉयल करने वाले हैं। और फिर ये है हमारा तड़का जो कि ग्रेवी बनेगी। तो उसके अंदर हमने प्याज रखा है, शिमला मिर्च रखी है, टमाटर रखा है, अदरक रखा है, लहसुन रखा है। और ये है फिर गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स और साथ में पनीर। और इधर है हमारे पास थोड़ी सी कर्ड, और कर्ड को भी हम ग्रेवी के बीच में मिक्स करेंगे, वो रेसिपी पूरी दिखाएंगे। और हम धनिया को भी करने वाले गार्निश। तो गाइस, बिरयानी के साथ हम खाने वाले हैं शाही ग्रेवी, तो जो कि शाही पनीर पे भी अगर उसमें पनीर डालो शाही पनीर बन जाता है। रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा शाही पनीर की, ऑलरेडी है तो उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ हो रही है। तो ग्रेवी बना के आपको दिखाएंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा, तो वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो गाइस, अब इधर सब्जियों को बॉयल करके रख दिया है, इसमें हमने डाला एक चम्मच नमक। और इधर हमने चावल को बॉयल करने के लिए रख दिया है, जिसमें हमने डाली है लौंग, इलायची, केसर और साबुत काली मिर्च, और नमक डाला है 1 से 2 चम्मच। और पानी हमने डाल दिया जितने चावल हैं उसके डबल। और हमने पूरा कुक नहीं करना है चावल को, उससे पहले ही हमने निकाल लेना थोड़ा सा 80-90% पे, और फिर हम इसका लगाएंगे दम बाद में। तो गाइस, इधर सब्जियां हमने 2-3 बॉयल दिलाने हैं, अच्छे से पका लेना ताकि ये कच्ची ना रहे। और फिर जब हम तड़का बनाएंगे तो उसके अंदर हम इस सब्जियों को भी डालेंगे। जो हम ये सब्जियां बॉयल कर रहे हैं ये एमवे क्वीन में कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट यही है कि ये इसकी सब्जियों की जो टेस्ट और टेक्सचर है वो बिल्कुल लॉक कर देगा, न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल लॉक कर देगा। और किसी भी तरह का हमारी सब्जी बहुत ज़्यादा गलेगी नहीं, और ये खड़ी खड़ी रहेगी, और इसमें अमेजिंग टेस्ट आएगा, न्यूट्रिशन पूरी मिलेगी। तो अब दोनों चीज़ें ढक देते हैं। हाँ जी गाइस, तो अब हम तड़का लगाने वाले हैं। तो तड़के के लिए मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं जीवो का कैनोला ऑयल जो कि इंडिया का एकमात्र केमिकल फ्री ऑयल है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, ऑयल गर्म होते ही जीरा डाला हमने। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, हरी मिर्च जो काटी हुई थी हमने। अब अच्छे से इसको कुक करेंगे। फिर अब डालेंगे प्याज, अच्छे से इसको कुक करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। गाइस, चावल का हमने पानी निकाल दिया, तो चावल का अब हम देखेंगे तोड़ के कि चावल जो है पका है कि नहीं। तो ये 2 पीसेस में ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब चावल 80-90% हो चुका है। तो गैस हमने गैस बंद कर दी है, तो अब इसको ढक के रखेंगे। तो ये चावल हमारा बिरयानी के लिए रेडी है, अब इसका हम दम लगाएंगे सब्जी के साथ, तब भी कुक होगा। तो इधर हम अपनी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, प्याज हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब डालेंगे हम इसमें शिमला मिर्च, अच्छे से हमें सब्जियों को पकाना है ताकि कच्ची ना रहे बिल्कुल भी। और इधर हमारी सब्जियां भी बॉईल हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर। अब डालेंगे टमाटर, अब हम इसको सब्जियों को अच्छे से पकाएंगे जब तक टमाटर पकता है। फिर हम इसमें मसाले डाल के और ये जो सब्जी हमने बॉईल करी है वो डालेंगे। गाइस, हमारी ग्रेवी शाही पनीर वाली शाही ग्रेवी तैयार है, और इधर हमारे चावल तैयार हैं, और इधर तड़का तैयार हो रहा है। हाँ जी गाइस, तो अब हम डालेंगे मसाले। तो उसमें सबसे पहले मैं डालने वाला हूँ किचन किंग पूरा 1 चम्मच, क्योंकि ये ग्रेवी आपकी बिल्कुल करारी होनी चाहिए। अब डालने वाला हूँ गरम मसाला पूरा 1 चम्मच। अब इसके साथ हम डालेंगे काली मिर्च 1/2 चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए, और डालेंगे नमक 2 चम्मच बड़े।
गाइस अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब मसाले के साथ फिर से इसको तड़के को पकने देंगे ढक के थोड़ी देर, और फिर इसमें हम डालेंगे अपनी जो कुक्ड वेजिटेबल्स है, मिक्स वेजिटेबल, तो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा ये पक जाए मसालों के साथ, तो गाइस अब ये अपनी कुक्ड वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल हम इसमें तड़के में डाल रहे हैं। तो अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मसाले डालने के बाद। तड़का पका लिया हमने अच्छे से, तो ये अब आप देख सकते हैं और भी अच्छे से आपको दिखेगा कितनी बढ़िया ये मिक्स वेज लग रही है। तो गाइस अब दही हम डाल रहे हैं, ये ऑलरेडी फेटी हुई दही है, सो मेक श्योर आप फेट के डालें। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और अब अच्छे से हमें इसको पकाना है। देखिए कितना अमेजिंग कलर लग रहा है। हम इसको ढक के एटलीस्ट 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि सब मसाले और ये दही सब्जियां बहुत अच्छे से पक जाए। बिल्कुल सब्जी कच्ची नहीं रहनी चाहिए और खड़ी खड़ी भी रहनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो गाइस सब्जी हमारी हो चुकी है रेडी। तो अब इसमें से हाफ वेजिटेबल हम निकाल लेंगे एक बाउल में, तो वो क्या करेंगे हम सेकंड लेयर बनाने के लिए। तो गाइस गैस अब हमने कर दी है बंद। अब हम ये जो राइस है, ये हाफ राइस हम इसमें डालने वाले हैं, फिर आपको दिखाते हैं लेयरिंग। तो गाइस चावल को हमेशा ऐसे फैला के डालना है हमने, मेक श्योर कि ये टूटे ना। तो गाइस अब हम डालेंगे धनिया, तो ये हमारी शाही बिरयानी का ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, और थोड़ा सा पनीर फैला फैला के डालना है अपने बिल्कुल, ताकि जब स्कूप उठे कड़छी से तो बढ़िया से। तो गाइस अब डाली है सब्जी की जो हमने निकाली थी, इसको भी फैला के डालनी है। तो गाइस फर्स्ट लेयरिंग हमारी हो गई है, अब हम दोबारा से इस पर डालेंगे चावल। तो गाइस चावल डाल दिया, अब फिर से हम डालेंगे धनिया, फैला के डालना आपको पूरा बढ़िया से। आप इसमें फ्राइड अनियन भी डाल सकते हैं, बट हम थोड़ा इसको हेल्दी रख रहे हैं कम ऑयल में, तो ये जिम वाले बंदे भी खा सकते हैं आराम से। तो अब इसमें डालेंगे पनीर। अभी एक स्पेशल एक चीज़ और होने वाली है, वो ज़रूर देखना, और ये तो ज़रूर करना जो लास्ट स्टेप में करने वाला हूँ। गाइस आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है। अब जो बाकी का ड्राई फ्रूट है वो हम डाल देंगे। तो शाही है तो शाही मसाले, शाही पदार्थ तो डलने चाहिए। गाइस लास्ट जो स्टेप है जिसमें हमने क्या किया है कि एक चम्मच देसी घी और उसमें हम डाल रहे हैं केसर। तो ये है हमारा फाइनल रोगन, तो आप देख सकते हैं ये देने वाला है अमेजिंग फ्लेवर। तो ये हम इस पर फैला देंगे पूरा अच्छे से। लो गाइस कि फाइनली हमारी बिरयानी रेडी है। अब हम इसको दम लगा के थोड़ी देर ढक्कन बंद करके रखेंगे। अब हमने इसको ढक के रख दिया है, तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा बिरयानी। तो अभी जब खाएंगे फिर आपको टेस्टिंग बताएंगे इसकी। गाइस तो कर लिए हमने बिरयानी एंजॉय, खूब अच्छे से खाई है। गाइस सॉरी मैं आपको लाइव टेस्टिंग नहीं दिखा पाया, बिकॉज खाते खाते इतना मगन हो गए थे कि भूल गए हम वीडियो बनाना। बट ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी बनी, अभी तक की जितनी मैंने बिरयानी बनाई है आज बेस्ट थी। और आप ट्राई करिए, अगर इस तरीके से इस प्रोसेस से आप बनाते हो तो आपके जो भी बिरयानी ये खाएगा ना, आपके हाथ चूमने का उसको मन करेगा। गाइस तो इतनी स्वाद बनी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अमेजिंग रेसिपी के साथ।